उल्टे ही इनके ऊपर भी FIR कर दिया है। दुकान में हमला किया गया। ये है कि जनपद के में प्रार्थना सभाओं के माध्यम से ईसाई मिशनरियां तेजी से धर्मांतरण करा रही हैं। इससे वो प्रार्थना के नाम पे बुलाती हैं, फिर उनको प्रलोभन देती है। कुछ मामला था कल, उसको हम लोगों ने किसी तरह समाप्त करवाया। तो वो तेजी से ये हर जगह हो रहा है, मऊ शहर में हो रहा है, प्रशासन देख नहीं रहा, दुकान बंद किए हुए, व्यापार बहुत तेजी से पनप रहे हैं, मकानों में घूम रहा है, पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, बगल से सब कुछ होता रहता है। अभी कार्रवाई की है, जहाँ दाम नहीं पा रहे वहाँ कार्रवाई कर रही, जहाँ दाम पा रहे वहाँ तो मौन रहे। कोई इन्फॉर्मेशन तो बताइए, जो आरोपी है सर 9 बजे रात को उसे जो है कि मेडिकल करा के लिया गया, उसमें उसको भी 25 अज्ञात हिंदुओं पर दिया गया। वो जो है सब हमेशा ये संघ के चेयरमैन है, समाजवादी है, थाना चला देते हैं, भाई साहब देखा सबको इन बात करा दिया। पिछले दिनों गोपागंज में पुलिसिया मिलीभगत से एक समुदाय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक समुदाय ने मॉब लिंचिंग का सहारा लेते हुए बाहरी संख्या में लगभग 200 की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के आए और वीरेंद्र गुप्ता के ऊपर प्राणघातक हमला किया। लेकिन पुलिसिया मिली भगत के वजह से उल्टे वीरेंद्र गुप्ता को ही फंसा दिया गया और वीरेंद्र गुप्ता के ऊपर भी FIR दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविकता ये है, पूरा कोपागंज जानता है इस बात को कि वीरेंद्र गुप्ता का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। जब वीरेंद्र गुप्ता के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ तो वीरेंद्र गुप्ता बहुत चक्का रह गए और वो समझ नहीं पाए कि क्यों ऐसा हुआ है। यह जाति द्वेष और सांप्रदायिक द्वेष के तहत हमला किया गया था, जिसकी विश्व हिंदू परिषद और निंदा करता है। उसी संबंध में हम ज्ञापन देने आए थे। 3 सूत्री ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद ने आज दिया है, जिसमें जनपद के 3 ज्वलनशील मुद्दे थे। एक डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता का, दूसरा मुद्दा था धर्मांतरण का। जनपद में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रार्थना सभाओं के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उन्हें विभिन्न तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। दूसरा विषय ये था, कल ही चिरैया कोर्ट में इसी तरह का एक बड़ा मामला प्रकाश में विश्व हिंदू परिषद के आया था, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद ने कराया और चिरैया कोर्ट थाने में तहरीर दी। जो मामला आज दैनिक जागरण तथा प्रमुख पेपरों की प्रमुखता से हेडिंग बना है। तीसरा मामला है, जनपद में देह व्यापार तेजी से पनप रहा है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से प्राइवेट मकानों में देह व्यापार तेजी से पनप रहा है। पुलिस वहीं रहती है, सब कुछ जानती है, लेकिन जहां पैसा मिलता है वहां तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जहां पैसा नहीं मिलता है वहां वो छापामारी करती है। उदाहरण के तौर पर गाजीपुर तिराहा पे जो कांड हुआ वो मीडिया की नगर निगाह में है। इन्हीं सब बातों को के विरोध में माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी की तरफ? जिलाधिकारी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक से हम बात करके जनपद में कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन भेज देंगे। कुछ गुप्त सूचनाएं भी जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि कुछ दिया कीजिए आप लोग? जिलाधिकारी द्वारा ये कहा गया कि हम अगर सूचनाएं नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, आप लोगों के पास अगर कोई सूचनाएं रहे तो आप लोग दिया करें। क्या आप राजपुरा गाँव की एक पीड़ित महिला से कोपागंज थाना द्वारा 25,000 रुपया लिया गया है क्या? यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर वह महिला मेरे पास आती है तो उसको न्याय दिलाने के लिए मैं हर स्तर पर संघर्ष करूंगा।